साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सॉल्ट वाटर रेमेडी के बारे में। अगर आपके घर में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे को मेंबर्स को कोई पसंद, फैमिली मेंबर्स ही आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, किसी का काम नहीं बनता कुछ भी, हमेशा कोई ना कोई रुकावट और बाधा आ जाती है, कुछ अच्छा नहीं कर पाते, जितना कमाते हैं सब कुछ दवाइयों में चला जाता है, तब आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर रेमेडी निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने के लिए होती है। अगर आपके घर में ये सारी चीजें हैं, बीमारियां हैं और बाकी सब ये चीजें हैं, मतलब घर में निगेटिविटी मौजूद है। अब निगेटिविटी के क्या रूप होते हैं? खास तौर पे निगेटिविटी के दो रूप होते हैं, साइकोलॉजिकल प्लस स्पिरिचुअल। साइकोलॉजिकल यानी टेंशन, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, वर्कलोड, ये सारी चीजें हैं जो साइकोलॉजिकल रीजन है जिनकी वजह से घर में बीमारियां होती हैं। स्पिरिचुअल रीजंस में निगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें आती हैं जो आपके घर में बीमारियों को हमेशा बनाए रहती हैं। तो ये चीजें, दोनों ही चीजें हम सॉल्ट वाटर रेमेडी से हील कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेमेडी है और जिसको सब लोग कर सकते हैं अपने घर में। सॉल्ट को हम सभी जानते हैं कि आजकल से नहीं, सदियों से सॉल्ट को स्पिरिचुअल क्लेंजर के रूप में यूज किया जाता है। घर की सफाई, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के लिए हम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसी सॉल्ट को इस्तेमाल करके घर से निगेटिविटी को दूर भगाएंगे। क्या करना है आपको? कांच का एक ग्लास ले लेना है, कांच का एक आपको ग्लास ले लेना है, उसमें पानी भरिए। पानी भरने के बाद सिंपल किचन में इस्तेमाल होने वाला सॉल्ट लीजिए और एक स्पून इसमें डिजोल्व करिए, घोलिए इसको, अच्छे से इसको घोल दो, नमक ठीक से घुल जाए इसमें। और आपको कहाँ रखना है? उस व्यक्ति के कमरे में जिस व्यक्ति को बीमारियां ज्यादा रहती हैं। घर का कोई मेंबर अगर बीमार ज्यादा रहता है, उसका कोई काम नहीं बनता, हमेशा बीमारी बना रहता है, बीमारी की वजह से वो कुछ भी तरक्की नहीं कर पा रहा, तो आपको ऐसा नमक का पानी बनाना है और ऐसे लेना, आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास ही है ताकि सुबह आप देख पाएंगे कि पानी कैसा है। तो आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास में एक चम्मच नमक घोला और उस व्यक्ति के बेड के नीचे आप रख दो, उसके सिरहाने की तरफ उसके बेड के नीचे आपको ये पानी रख देना है। रात भर रखा रहने दो और सुबह आप उसको उठाएंगे। रात भर रखे रहने से क्या होगा? उस व्यक्ति के कमरे में जितनी भी निगेटिविटी होगी, नमक उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने कहा ना, नमक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का काम करता है। तो जितनी भी निगेटिविटी, चाहे साइकोलॉजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो या कोई निगेटिव एनर्जी आपके घर में हो, तो सब चीजों को यह एब्जॉर्ब कर लेगा नमक का पानी। तो नमक के पानी को वहां रखा रहने देना है। सुबह आप उठेंगे, सबसे पहले आप उस नमक के पानी को देखेंगे, कैसा लग रहा है वो नमक का पानी। अगर वो पूरी तरह साफ है, ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब कोई निगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है, ठीक है। अगर वो पानी धुंधला है और उस पानी में बबल्स होते हैं, बुलबुले हो जाते हैं, अगर उसमें आपको बुलबुले नजर आते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके घर में निगेटिविटी है, जो निगेटिविटी इस पानी ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो इसीलिए आप रात भर वहां पर रख रहे हैं। आपने बस एक झलक उसको देखना है। देखिए, अभी मैंने नमक घोला है तो साफ नहीं है अभी, इस तरह से आपको अभी थोड़ा देर में घुल जाएगा। जब रात भर आप रखे रहेंगे तो नमक पूरी तरह डिसॉल्व हो चुका होगा, पानी में बैठ चुका होगा। उसके बाद पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए आपको। अगर निगेटिविटी नहीं है तो क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, और निगेटिविटी है तो पानी आपको धुंधला दिखेगा, मिट्टी जैसा कलर दिखेगा, ऐसा स्लेटी जैसा कलर दिखेगा, गंध दिखेगी आपको पानी में। तो आपको अगर ऐसा कोई भी चीज नजर आती है, पानी गंदा दिखता है या उसमें बुलबुले दिखते हैं, बबल्स दिखते हैं, तो आपको समझ जाना है घर में निगेटिविटी है। अब आप क्या करेंगे? उस ग्लास को सीधे उठाइए, बस एक झलक देख लो पानी कैसा है, उसके बाद सीधे उसे घर के बाहर ले जाकर फेंक दो। सिंक में भी आपको नहीं डालना, आप उसको सीधे घर के बाहर ही फेंक दो। हम निगेटिविटी को सिंक में भी क्यों डालें, सीधे घर के बाहर आप तो फेंक दीजिए। एक दिन हो गया, हो सकता है कि निगेटिविटी पूरी ना एब्जॉर्ब हुई हो, तो आपको इसी रेमेडी को फिर से दोहराना है। इस रेमेडी को आप तब तक दोहराइए, उतने दिन दोहराइए जब तक पानी क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, पूरी तरह साफ ना हो जाए पानी।
जब पानी पूरी तरह साफ हो जाए तो समझ लीजिए कि अब निगेटिविटी निकल गई। इस तरह से आप चाहें तो हर व्यक्ति के कमरे में आप एक ग्लास रख सकते हैं, पर याद रखना है अगर आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो सुबह आपको ध्यान से उठाकर फेंकना है। तो इसीलिए एक एक कमरे की निगेटिविटी हटाइए और फिर पूरी तरह जब वो क्लीन हो जाए तब दूसरे कमरे में जाइए। पूरे घर को अपने को आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी होती है सॉल्ट वाटर रेमेडी, सदियों से इस्तेमाल किया जाता है नमक को घर से निगेटिविटी को दूर करने के लिए। चाहे कैसी भी निगेटिविटी हो, चाहे किसी ने कुछ भी आपके ऊपर किया हो, किसी की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ी हो या किसी ने आपको बुरी नीयत से आपके लिए कुछ भेजा हो, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये हुई सॉल्ट वाटर रेमेडी। उम्मीद करती हूँ बहुत आसान रेमेडी है, आप सभी लोग इसको अपनाएंगे और सब लोग फायदा इसका जरूर उठाएंगे। अगले वीडियो में आपके लिए फिर कुछ नया लेकर आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।